In this session, we are going to learn that how a computer program is being executed in a computer. Okay? तो कहता है कि जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो सिर्फ जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है, या आप कह लीजिए मशीन कोड समझता है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा हुआ है वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है या असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले अपने लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, या वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सके. ओके? तो कहता है हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं जो ट्रांसलेटर की तरह वर्क करते हैं. वो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ उसको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, या टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, कि मींस जो हमें नीड है जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जो ट्रांसलेटर्स हैं वो क्या क्या हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है. ये तीन के तीनों क्या हैं, ये तीन के तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, तीन के तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं. जैसे कि आपने पहले सुना होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो ये तीन के तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है. एंड नाउ कंपाइलर. कंपाइलर क्या होता है, कहता है इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ सोर्स लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज. वाइल कन्वर्जन ये क्या करता है, प्रोग्राम को रीड करता है, लेकिन रीड पूरे इंटायर प्रोग्राम को करता है एक साथ, और एक साथ रीड करने के बाद पूरे प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है. ओके? साथ में और ये क्या करता है कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सोर्स प्रोग्राम लिखा गया है उस लैंग्वेज के कुछ अपने स्पेसिफिकेशंस हैं कि उसके सिंटैक्स कैसे होंगे, उसमें टाइप चेकिंग वगैरह, असाइनमेंट वगैरह कैसे होगा, उन सारी चीजों का स्पेसिफिकेशन है. तो अगर कोई सिंटैक्स या प्रोग्राम में किसी तरह की एरर्स हैं तो ये कंपाइल जब उसको कराएंगे तो एरर मैसेजेस जनरेट होंगे जिनको आप मैनुअली ठीक कर सकते हैं. ओके? और कई बार वार्निंग मैसेज भी जनरेट होंगे. ओके? और अगर कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया है टारगेट प्रोग्राम में. टारगेट प्रोग्राम क्या है, एक दूसरी लैंग्वेज में इसी के इक्विवेलेंट लिखा हुआ प्रोग्राम. ये टारगेट प्रोग्राम असेंबली का कोड हो सकता है, मशीन कोड हो सकता है, या कोई थर्ड लैंग्वेज हो सकती है. ओके? तो अगर ये टारगेट प्रोग्राम मशीन कोड है तो कहता है इस टारगेट प्रोग्राम को अगर आप इनपुट देते हैं तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट जनरेट करेगा. ओके? जो कुछ कंपाइलर के एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर हमारे पास है, सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, फॉर्ट्रॉन का कंपाइलर है, और बहुत सारे कंपाइलर्स हैं. ओके? एंड नाउ इंटरप्रेटर एज लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर. तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जैसे कि कंपाइलर क्या किया करता था, कंपाइलर अगर सपोज करो ये हाई लेवल लैंग्वेज में कोई एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम को, इंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता था मशीन कोड में या टारगेट लैंग्वेज में. जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक लाइन को रीड करेगा, रीड करने के बाद इसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करेगा. ओके? और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा ऑन इनपुट्स सप्लाइड बाय यूजर. ओके? देन इट विल गो फॉर द नेक्स्ट लाइन.
सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेगा। क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद थर्ड लाइन पे जाएगा। मींस जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। ओके, अगर किसी लाइन में वाइल ट्रांसलेशन प्रोसेस, अगर किसी लाइन में किसी तरह की एरर आती है तो ट्रांसलेशन को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देगा। ओके, यहां पर देखने वाली एक बात और है कि जैसे कंपाइलर में था, यहां से कंप्यूटर प्रोग्राम इसको इनपुट देते थे और वही कंप्यूटर के इक्विवेलेंट यहां एक दूसरी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम आ जाता था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर में सोर्स प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम और इनपुट यहां इंटरप्रेटर को दिया गया और इसने सीधे क्या जनरेट कर दिया, आउटपुट जनरेट कर दिया। अंदर एक स्टेप हमको नहीं दिख रहा है, वो क्या, इंटरनली इस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड में कन्वर्ट या ट्रांसलेट किया जा रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। ओके, द एग्जांपल्स ऑफ इंटरप्रेटर्स आर बेसिक, जो बेसिक लैंग्वेज है उसका इंटरप्रेटर होता है, एसक्यूएल है उसका भी इंटरप्रेटर होता है, लिस्प उसका भी इंटरप्रेटर होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं जिनके लिए इंटरप्रेटर बनाया गया है। ओके, अब एक और एग्जांपल जिसमें कंपाइलेशन और इंटरप्रेटेशन दोनों होते हैं, जावा लैंग्वेज प्रोसेसर। जावा में कंपाइलेशन भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है, तो किस तरह से ये इसकी वर्किंग थोड़ी देखते हैं। ओके, कहता है कि एक प्रोग्राम लिखा है जावा में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में, डॉट जावा से उस प्रोग्राम को सेव किया गया, उसको कंपाइल किया गया। कंपाइल करने के लिए जो कंपाइलर होता है वो होता है जावा, या जावा सी कह सकते हैं, वो कन्वर्ट करके क्या बना देता है, डॉट क्लास प्रोग्राम बना देता है। ये जो डॉट क्लास प्रोग्राम है या डॉट क्लास फाइल है, इसमें जो कंटेंट होता, अंदर जो कोड होता है वो बाइट कोड होता है। जो बाइट कोड है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि अगर कोई कोड ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड कर रहा हो और ना ही मशीन के आर्किटेक्चर पे डिपेंड कर रहा हो, मशीन का आर्किटेक्चर मींस कि उसका प्रोसेसर किसका है, इंटेल का है, मोटरोला का है, एएमडी का है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है या लाइनेक्स है, अगर इन चीजों पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। जो ये इंटरमीडिएट कोड है इसको JVM क्या करेगी, JVM इस कोड को इंटरप्रेट करेगी, JVM इस कोड को इंटरप्रेट करेगी और साथ में इनपुट लेगी और आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। मींस JVM ही इस फाइल को रन टाइम पे लोड करती है, तो इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा। यहां पर एक बात और बताते चलता हूं कि ये जो प्रोसेस है इनपुट से प्रोग्राम से, प्रोग्राम लिख के उससे आउटपुट लेने का, थोड़ा स्लो है। तो इसी को ठीक करने के लिए एक नए तरीके का कोई कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर क्या कहा गया, वही डॉट जावा प्रोग्राम है, उसको कंपाइल किया गया किससे, जावा से बाइट कोड निकला, इंटरमीडिएट प्रोग्राम है। इस इंटरमीडिएट प्रोग्राम को पहले यहां पे क्या हो रहा था, इस इंटरमीडिएट प्रोग्राम को JVM क्या कर रही थी, इंटरप्रेट कर रही थी। लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि यहां पर इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, यहां पर यह वाला प्रोसेस पूरा रन टाइम का है। तो इस इंटरमीडिएट कोड को JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या कर देगा, नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। जिस पर्टिकुलर मशीन में एग्जीक्यूट कराना है उस मशीन के कोड में कन्वर्ट कर देगा और इसके बाद इस कोड को JVM क्या करेगा, सीधे एग्जीक्यूट करेगा। अब JVM इंटरप्रेट नहीं करेगा, अगर इंटरप्रेट करता तो टाइम लॉस होता, लेकिन डायरेक्टली
इसको एग्जीक्यूट कर रहा है आफ्टर टेकिंग इनपुट, सीधे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो टाइम बच जाएगा. ओके तो ये है एग्जाम्पल जो जिसमें कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों हो रहे हैं. इसी तरह से एक लैंग्वेज अगर और बोली जाए, पाइथन. पाइथन भी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों परफॉर्म होते हैं. ओके एंड दैट्स डन.